गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2010 टू 2020 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कैसे हैं, कितने टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, और कुछ बड़ा क्या उनमें क्वेश्चन अराइज हो सकता है या उससे अदर क्वेश्चन क्या बन सकता है, इन सबको हम लोग देख करके आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। बट टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन अ फूड विथ विच इंटरफियर द विच थायरॉक्सिन सिंथेसिस एंड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। अगर बेटा यहाँ पर थायरॉक्सिन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला कोई भी इनहिबिटर होगा, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, तो जनरली बेटा कौन सी प्रोसेस हो जाएगी या फूड के केस में। फूड बोल रहा है बेटा, तो फूड का मतलब क्या हो जाएगा, आयोडीन की डिफिशियंसी। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, आयोडीन की अगर डिफिशियंसी है तो बेटा सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा। सिंपल ग्वाइटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, घेंघा रोग। घेंघा का मतलब बेटा होता है, घेंघा का मतलब होता है कि इसमें ये जो थायराइड वाला पार्ट है ये स्वेल कर जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों होगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द आयरन। आयरन अब यहाँ पर क्या, सॉरी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयरन नहीं बेटा आयोडीन। तो ये किसके कारण होगा, थायरॉक्सिन की सिंथेसिस को इंटरफियर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखते हैं। लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूड मे बी काज ऑफ, लो कैल्शियम लेवल इन अ बॉडी फ्लूड मे बी काज ऑफ। अगर कैल्शियम का बेटा लेवल क्या हो जाएगा, कम होगा, किसमें, बॉडी फ्लूड में। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में जनरली बेटा हमें ये देखना है। देखिए एंजिना पेक्टोरिस ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी किस में होनी है बेटा, ब्लड में, तो ये एंजिना पेक्टोरिस हो जाएगा। गाउट यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाएगा। एनीमिया बेटा क्या होगा, एनीमिया में यहां पर लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो अब कैल्शियम के डिफिशियंसी से बेटा क्या बचा, कैल्शियम की अगर डिफिशियंसी है या लो लेवल है तो ऐसी कंडीशन में कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, टिटेनी हो जाएगा या टिटनेस डिजीज हो जाएगा। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए। इंजरी टू एडिनल कार्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा अगर हम लोग एडिनल कार्टेक्स में, एडिनल कार्टेक्स आप देखो एडिनल ग्लैंड, जैसे ये पार्ट किसका है, किडनी का, इस पर यहां पर पाया जाएगा एडिनल ग्लैंड। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एडिनल कार्टेक्स, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एडिनल मेडुला। जो एडिनल कार्टेक्स है इससे तीन हार्मोन निकलते हैं, ग्लूको कार्टिकॉइड जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, दूसरा है मिनरलो कार्टिकॉइड, और तीसरा होता है जो ये इसको, इसका जो मेन हार्मोन है वो है कार्टिसोल, इसका जो मेन हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन, और तीसरा होता है सेक्स कार्टिकॉइड। अब देखो आप बेटा इसका जो एडिनल मेडुला वाला हिस्सा होता है एडिनल मेडुला का जो हिस्सा होता है यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन, और दूसरा होता है नार एपिनेफ्रिन या नार एड्रेनालिन, ठीक है। ये एपिनेफ्रिन या नारेनेलिन ये क्या होगा बेटा, ये अगर कार्टेक्स का पार्ट, कौन सा पार्ट बेटा इंजर्ड हो जा रहा है, कार्टेक्स का, अगर कार्टेक्स का पार्ट इंजर्ड होगा देखो कार्टिसोल अफेक्टेड होगा, एल्डोस्टेरोन अफेक्टेड होगा, एल्डोस्टेरोन एपी
डिहाइड्रोएपिएस्टिरान, इसका बेटा मेन जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, मेल हार्मोन जो है ये इसका अदर नेम है। तो मतलब बेटा ये सभी तीनों अफेक्टेड होंगे, ये भी अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्टेड होगा, बट कौन नहीं अफेक्टेड होगा? एड्रेनलिन। क्यों नहीं अफेक्टेड होगा? क्योंकि एड्रेनलिन किससे निकलता है? एड्रेनल मेडुला से। तो आंसर आपको मिल गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? बेटे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? पहला है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन सिक्रेशन, ठीक है बेटा, कार्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन भी निकलेगा, और हम लोग ऐसे कह सकते हैं कार्पस ल्यूटियम से मेनली कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन से कौन सा डिजीज है बेटा? डायबिटीज मिलेटस है, एक टाइप का डिजीज है, ठीक है। ग्लूकागन हार्मोन, ये बेटा बीटा सेल से? नो, बीटा सेल नहीं होता, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर अगर ये क्या होता बेटा, अल्फा सेल्स होते हैं, कौन सा सेल्स? अल्फा सेल्स होता तो ये सही हो जाता। सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल्स, ये एकदम बड़ा सही है। तो हमारे पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा, देखो कार्पल ल्यूडियम भी सही है, इंसुलिन भी सही है, सोमैटोस्टेटिन भी सही है, तो कौन सा नहीं सही है? ग्लूकागन अल्फा सेल से निकलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? बीटा सेल। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा? इंसुलिन निकलेगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ हार्मोन इज सोर्स एंड फंक्शन। बेटा ठीक है, आप देखो नारेपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से निकलता है, अभी हमने बताया। ये क्या काम करेगा? हार्ट रेट को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देगा, अलर्टनेस को बढ़ा देगा, पुपिलरी डायलेशन करा देगा। पुपिलरी डायलेशन बेटा करा देगा, मतलब आंखें अचंभित हो जाएंगी, मींस इमरजेंसी भी क्रिएट करेगा नारेपिनेफ्रिन। ग्लूकागन बीटा सेल ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये सही है यहां तक। स्टिमुलेट बेटा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखो पूछ रहा है कि ग्लूकागन हार्मोन बीटा सेल से निकलेगा, बेटा यही तो गलत हो गया। क्या ये बीटा सेल से निकलता है? नहीं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, बट बेटा गलत क्या है ये? यहाँ पर कौन सा? ग्लूकागन, अगर ये अल्फा सेल्स होते तो ये सही हो जाता स्टेटमेंट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है। प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बेटा यहाँ पर क्या गलत है ये? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से केवल दो हार्मोन वो भी रिलीज होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है ADH, ठीक। तो प्रोलैक्टिन कहाँ से आएगा? यहाँ पर क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? एंटीरियर। अगर एंटीरियर होता, अगर ये एंटीरियर पिट्यूटरी होता तो आंसर सही होता। वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, नो बेटा, ये कंसंट्रेट कराता है यूरिन को, क्या करेगा? कंसंट्रेट करेगा, डिक्रीज करेगा लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो बेटा ये आंसर भी हमारा क्या हो गया? कट गया। तो पहला आंसर हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन 24 आवर डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी सच एज स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाई द हार्मोन। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये जो जिसके बारे में बोल रहा है, 24 आवर की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है बेटा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को हम लोग बेटा बोलते हैं एपिफाइसिस सेरिब्री। एपिफाइसिस सेरिब्री, यहां से क्या होता है? एक हार्मोन निकलता है, एक क्या आप तो कह सकते हैं, दो हार्मोन है, ये हार्मोन है मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ये दोनों ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनते हैं, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनेंगे। और मज़ेदार बात ये कि ये एक टाइप का एरोमेटिक अमीनो एसिड है। कैसा है ये? एक टाइप का ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा क्या? मेलाटोनिन हार्मोन। देखो एड्रेनलिन क्या करता है? एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है। कैल्सिटोनिन बेटा कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करेगा। प्रोलैक्टिन है जिसको हम लोग कह सकते हैं, प्रोलैक्टिन को ही लैक्टोजेनिक हार्मोन बोल सकते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन का मतलब बेटा क्या? मेमोरी हार्मोन आप बोल सकते हो आप इसको। मेलाटोनिन क्या करेगा? 24 आवर की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। आप ऐसे बेटा इसको समझ सकते हो कि जैसे जो पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड का मतलब क्या हो गया? पीनियल ग्लैंड का मतलब हो गया एपिथैलमस से ऊपर की ओर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एपिफाइसिस
सेरिब्राई या सेरिब्री ब्रेन के रीजन में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ दोज दैट कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इन साइड द मोस्टली। बेटा देखो, आप ऐसे हार्मोन को आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे हार्मोन को सेलेक्ट करना है, जैसे ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पर बेटा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर ये इसका डीएनए होगा, ये इसका साइटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है, ठीक। अब ऐसे हार्मोन हो जो इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पर आ जाए, ऐसा कोई हार्मोन हो जो यहाँ से, यहाँ का मतलब बेटा इसके सेल न्यूक्लियस के अंदर चला जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर एग्जाम्पल्स दैट कैन बी इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को पास कर जाए, दैट ऑफ द टारगेट सेल एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इन साइड द मोस्टली इन द न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर आकर के बाइंड हो। अब आपको बेटा ये पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बना होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बना होता है किसका, तो बेटा ये जो होंगे बायोलिपिड लेयर के बने होते हैं। अब ऐसा हमें हार्मोन मिले, ऐसा हार्मोन जो कैसे हार्मोन होंगे, फैट रिलेटेड होंगे, या बेटा आप कह सकते हैं कि फैटी सब्सटेंस के बने होते हैं, तो या बेटा आप कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, मींस जो फैट डेरिवेटिव हार्मोन है, प्रोटीन डेरिवेटिव नहीं, फैट डेरिवेटिव जो हार्मोन्स हैं वो क्या करेगा, वो बेटा ये सब हार्मोन को क्रॉस कर जाए, ये इसको क्रॉस करके यहाँ पर जाएगा, मतलब उसका जो रिसेप्टर होगा वो यहाँ पर होगा। इसमें दो एग्जांपल होते हैं, एडिनल कार्टेक्स से निकलने वाला कोई हार्मोन, एडिनल कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन एंड बेटा ये सेक्स हार्मोन, ये दोनों बेटा कौन से हार्मोन कहलाएंगे, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड का मतलब फैटी हार्मोन होते हैं, मतलब बेटा ये इसको क्रॉस कर सकता है। तो आइए देखते हैं, सोमैटोस्टेटिन ऑक्सीटोसिन दोनों बेटा क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस हार्मोन है, दोनों प्रोटीनिशियस हार्मोन है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। कार्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन बेटा ये एकदम सही है, कार्टिसोल भी क्या होता है, एडिनल कार्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन बेटा सेक्स हार्मोन है, दोनों स्टेरॉइड हार्मोन है, ये इसको क्रॉस करके जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट अभी तो सही दिखाई दे रहा है। इंसुलिन एंड बेटा ग्लूकागन ये दोनों प्रोटीनिशियस हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है, अगर ये पेप्टाइड हार्मोन है तो ये इसको क्रॉस करके नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। थायरॉक्सिन एंड बेटा क्या हो जाएगा, इंसुलिन, थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन ये भी वही चीज़ है, तो नहीं जा पाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज द करेक्ट से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन द ह्यूमंस, बेटा ये ह्यूमंस में कौन सा एक्शन इन, हाँ ठीक है, इन फीमेल्स FSH फर्स्ट बाइंड विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा ये कह रहा है इन फीमेल FSH फर्स्ट, FSH कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन का हार्मोन है, कैसा हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन का हार्मोन है विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, मतलब बेटा ये जो रिसेप्टर्स होंगे इसके ये यहाँ पर होंगे, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है, जैसे ये FSH है तो FSH बेटा यहाँ पर बाइंड होगा और ये यहाँ पर क्या करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर यहाँ पर बेटा आपका पाया जाएगा सेकेंडरी मैसेंजर, फिर ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर देखो FSH स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बेटा कैसे FSH नहीं सिक्रीट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बेटा क्या नहीं करेगा, स्टिमुलेट नहीं करेगा। ग्लूकागन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स, ग्लूकागन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स, बार बार बेटा यही वाला क्वेश्चन आ रहा है, बीटा सेल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा सेल्स एंड स्टिमुलेट द, ठीक है बेटा यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब ये गलत हो गया। सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विथ एजिंग, तो बेटा सिक्रीशन ऑफ द थाइमोसिन इज एंटी एजिंग, बेटा इसको क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंटी एजिंग। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, वो भी कौन सा, फर्स्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, विच रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के एक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा,
चलो बेटा देखो देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाजिटिक सेल्स होते हैं या पैंक्रियाज होता है, यहां से दो, एक होता है जिसको हम लोग कहेंगे पैंक्रियाटिक एसनी, दूसरा है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें बेटा तीन टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। ये बेटा सिक्रीट करता है ग्लूकोगन हार्मोन, ये हो गया इंसुलिन हार्मोन, और ये हो गया सोमैटो स्टैटिन। चलो बेटा आप देखते हैं, इसमें जो ग्लूकागन हार्मोन होता है ये होता है बेटा हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर ग्लाइसेमिक का कहने का क्या मतलब है बेटा? हाइपर ग्लाइसेमिक कहने का मतलब होता है इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। दूसरा बेटा इंसुलिन क्या होता है? इसको बोलते हैं हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो मतलब क्या हो गया? डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आइए देखते हैं, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फार्मिंग ग्लाइकोजन। बेटा ये इंसुलिन है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा। बेटा घटाने का क्या मतलब है कि जैसे ग्लूकोज को क्या कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा तो ये स्टेटमेंट बेटा सही दिखाई दे रहा है। इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग सेलुलर अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन। बेटा इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैसे ब्लड इंक्रीज नहीं करेगा ये क्या काम करता है? डिक्रीज करता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ये भी बेटा स्टेटमेंट गलत हो गया। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। सब में बेटा जो इंक्रीज लिखा है ये गलत है, केवल डिक्रीज एक ही में लिखा है वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नारेपिनेफ्रिन विट इज रिलीज बाय द सिंपैथेटिक फाइबर, हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट सही समझ में आ रहा है। इज रिलीज बाय द पैरासिंपैथेटिक, बेटा नो, मैं आपको समझा दूं कि जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये बेटा एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये इसका एड्रिनल कार्टेक्स हो गया, ये हो गया एड्रिनल मेडुला, ये बेटा इसके डायरेक्टली यहाँ पर इनर्वेशन होता है इसका, यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्टली इनर्वेशन होता है कहाँ पर? एड्रिनल मेडुला में। तो रिलीज बाय द सिंपैथेटिक फाइबर एकदम सही है, क्योंकि यही फाइबर्स क्या करते हैं? ये नारेपिनेफ्रिन का सिक्रीशन कराएंगे। इंक्रीज द हार्ट रेट, बेटा ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, एकदम सही है ये। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये बेटा नहीं घटाएगा नहीं बढ़ाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? हमारे पास दो स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं, एक हो गया ए और दूसरा हो गया सी, ए और सी। तो चौथा आंसर हमारा हो गया ए एंड सी। इसीलिए बेटा आपको याद होना चाहिए जो एड्रिनल मेडुला होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिको एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। क्यों? क्योंकि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली इनर्वेटेड होता है। आगे देखिए, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी हु सफर फ्रॉम द स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड एबनॉर्मल स्किन। तो बेटा ये सारे डिसऑर्डर किससे रिलेटेड हैं? थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हैं। अब आपको पता है थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन होते हैं वो कौन से, और हार्मोन के साथ साथ जो डिसऑर्डर होते हैं वो कौन से होंगे? आपको याद करने वाली बात क्या है? जी सी एम हो। लो बेटा ये क्या हो जाएगा? गॉइटर होगा, क्रिएटिनिन होगा, मेक्सोडिमा होगा एंड हैसी मोटो डिजीज। ये तब होगा जब ये डिफिशियंसी होगी, जब थायराइड ग्लैंड की डिफिशियंसी होगी, ठीक।
अगर एक्सेस होता है, एक्सेस सिक्रीशन होता है, मतलब कैंसर होगा, एक्सेस सिक्रीशन पर क्या होता है, कैंसरस काज करता है। ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस इज अ पार्ट ऑफ बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, नो बेटा ये। अब देखो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन डाइट, हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन के बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ठीक है, तो आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन जिसको हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन कहेंगे, तो ये हो जाएगा ये। लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, नो बेटा। अगर ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन मान लो बेटा यहाँ पर है तो, लेकिन वो किससे रिलेटेड नहीं है, आईक्यू से रिलेटेड नहीं है। अगर किसी बंदे में ग्रोथ हार्मोन की कमी भी हो जाएगी, किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की कमी भी हो जाएगी, तो वो क्या नहीं होगा, आईक्यू वैल्यू उसकी नॉर्मल होती है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या रहा है, ये हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये भी गलत हो गया। क्यों बेटा, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैंसर कहने का मतलब क्या हो गया, हाइपर सिक्रीशन, तो यहाँ पर बेटा हाइपर सिक्रीशन नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है। आइए चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिलेशन टू एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, बेटा ये ठीक है, ये स्टेटमेंट बेटा यहाँ तक तो सही है, बट ये पिट्यूटरी ग्लैंड न लिखा होता, अगर यहाँ पर लिखा होता हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से एक चीज़ आपको याद रखना है कि रिलीजिंग एंड बेटा इनहिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन अगर क्या लिखा होगा, हाइपोथैलेमस, तो सही हो जाता। एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, बेटा एडिनो नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक्चुअली में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और यहाँ पर होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ से बेटा दो हार्मोन रिलीज हो रहा है, ADH हो गया एंड ऑक्सीटोसिन हो गया। यहाँ पर बेटा दो पार्ट होते हैं, आप इसको तीन पार्ट कह सकते हैं, एक होता है पार्स ट्यूबरेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। यहाँ से बेटा एक ही हार्मोन है MSH, यहाँ से चार पांच हार्मोन है बेटा, वो सब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। आर्गन इन बॉडी लाइक द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, लाइक द सिक्रेटिन, ठीक है ना, CCK, PZ, ये सब हार्मोन सिक्रीट करेंगे। हार्ट बेटा क्या करेगा, NF का सिक्रीशन करेगा। किडनी किसका सिक्रीशन करेगा, किडनी सिक्रीशन करेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एरिथ्रोपोएटिन का, लीवर सोमेटोमिडिन का। तो ये सब बड़ा हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल, ये बड़ा सही है, किसके लिए, हार्मोन के लिए। नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल मतलब ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कराएगा, प्रोड्यूस बाय द ट्रेस अमाउंट, हाँ स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन। तो हार्मोन की ये एक्चुअल बड़ा अभी जो डेफिनेशन दी गई है न्यू NCERT में वो यही है। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द हार्मोन विच इज करेक्ट मैचिंग द सोर्स एंड फंक्शन, बट यहाँ पर सोर्स और फंक्शन को मैच कराना है। जैसे ऑक्सीटोसिन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड है, बेटा ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, बेटा नो, मेंटेनेंस नहीं है यहाँ। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है प्रोलैक्टिन की, जिसको हम लोग बोलते हैं PRL, प्रोलैक्टिन का। मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही है, बट ये गलत हो गया। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, ये सही है, रेगुलेट द बेटा नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक। तो ये स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले आपने सॉल्व किया, ये सही है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कार्पल ल्यूटियम, ये सही है,
स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ एंड एक्टिवेशन ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन। फीमेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन का मतलब बेटा क्या होता है, यहाँ पर इस्ट्रोजन, तो ये इस्ट्रोजन का सिक्रीशन बेटा नहीं करेगा, ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं करेगा, तो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, तो ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। नो बेटा, ये किसका काम होता है, ये काम होता है एस्ट्रोजन का, और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन प्रोजेस्टेरॉन कार्बोलोडियम नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत स्मॉल अमाउंट। एट्रियल न्यूरेटिव फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल, नहीं बेटा यहाँ पर वेंट्रिकुलर वॉल नहीं है, ये एट्रियल वॉल होना चाहिए, तब ये जा करके स्टेटमेंट करेक्ट होता है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला ये सेकंड वाला आंसर बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फाइट या फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन काज एक्टिवेशन है। फाइट या फ्लाइट मतलब बेटा इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन दो ही हैं बेटा, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, किससे निकलते हैं, मेडुला से। आइए देखते हैं, द पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, पैराथायराइड ग्लैंड बेटा इससे फाइट फ्लाइट नहीं होनी है। द किडनी लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ रेनिन, बेटा ये भी गलत है, ये द एडिनल मेडुला, हाँ ठीक है यहाँ समझ में आ रहा है, लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये बेटा क्या करेगा, फाइट या फ्लाइट से रिलेटेड। द पैंक्रियाज लीड टू रिडक्शन इन द ब्लड शुगर लेवल, बेटा ये स्टेटमेंट यहाँ पर इससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्या क्या है, गलत है ये। अ केमिकल सिग्नल दैट बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल, बेटा एंडोक्राइन और न्यूरल में कौन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नार या एपिनेफ्रिन, बेटा अभी मैंने आपको समझाया जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, ये एडिनल कार्टेक्स हो गया, ये एडिनल मेडुला हो गया, ये यहाँ पर डायरेक्ट इनर्वेशन है इसका, यहाँ पर डायरेक्ट इनर्वेशन है, तो ये किससे रिलेटेड है, एंडोक्राइन और न्यूरल दोनों से रिलेटेड है, ये बेटा नर्वस सिस्टम से हो गया, ये एंडोक्राइन हो गया, दोनों से रिलेटेड है, कौन सा हो जाएगा, एपिनेफ्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, सीधी सी बात है बेटा, ये मिनरलोकार्टिकॉइड है, देखो ग्लूकागन इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ये भी बेटा क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को काज कराएगा, ये भी बेटा क्या काम करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, मतलब शुगर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन बेटा क्या करता है, ये मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है या मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो कौन सा नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, तो नॉट बेटा अगर पूछ रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर ऑफ, बेटा अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक टाइप का आपको बताइए ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये क्या काम करता है, ये मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन करता है, ठीक बेटा ये स्टेटमेंट सही है। थायरॉक्सिन है एंड ट्राई आइडोथायरोनिन है, थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन, मतलब T3 और T4 आप कह सकते हैं, या T3 ही है, ये दोनों बेटा किससे निकलते हैं, कौन से हार्मोन से, कौन से, तो ये भी बनते किससे हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड से, अगर ये बनते भी हैं तो बेटा किससे बनते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, कार्टिसोल एंड कार्टिसोन ये भी बेटा स्टेरॉयडल हार्मोन है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट क्या बच गया, ट्रिप्टोफैन, तो जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, इससे मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का फॉर्मेशन होता है, और प्लांट में अगर बात किया जाए तो प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस कराता है या उसका प्रीकर्सर कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्ट, कौन सा बेटा एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन एकदम सही है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इंसुलिन ग्लूकागन का एंटागोनिस्ट है, एल्डोस्टेरॉन एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, बेटा देखो कैसे ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ये बीपी को बढ़ाता है, ये बीपी को घटाता है, ठीक, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, तो जो रिलैक्सिन है ये बेटा क्या होता है, ये प्यूबिक सिंफाइसिस को रिलैक्स करता है जिसके कारण चाइल्ड बर्थ होता है, इनहिबिन क्या होता है, इनहिबिन मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेक्रेट होता है फीमेल में, मेल में बेटा क्या होता है, सर्डोली सेल से आता है,
तो ये जो इनहिबिन होता है दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में, ये फीमेल में होता है बट एक दूसरे के अपोजिट वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू द ब्लड। देखो जो ग्रेव्स डिजीज है ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। तो थायराइड ग्लैंड में बेटा देखो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, बेटा ये गलत हो गया, एड्रिनल ग्लैंड ये गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, हाइपो नहीं है बेटा, ये हाइपर सिक्रीशन होता है, कैंसरस होता है। क्या होता है, कैंसरस होता है। कैंसरस का मतलब कि जिसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन बेटा हाइपर सिक्रीशन के कारण ही होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेम ऑफ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन द हिपेटोसाइट। अच्छा अच्छा, हिपेटोसाइट का मतलब बेटा लीवर सेल पे काम करे, एडिपोसाइट सेल मतलब एडिपोस सेल पे करे, एनहेंस द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। मतलब बेटा ये जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटा दे। कैसे आपको पता, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बेटा बढ़ जाए, इनहेंस द सेलुलर अपटेक, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अगर सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसका अपटेक बढ़ जाए तो इसका मतलब बेटा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ग्लूकोज ब्लड से सीधा बेटा कहाँ पे चला जाए, सेल में चला जाएगा, सेल में चला जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटाएगा। और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कौन घटाता है, एक ही हार्मोन है, कौन सा भाई, इंसुलिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन बिकॉज, बेटा हाँ ठीक है ये, क्योंकि किसी भी हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता है ये केवल बेटा स्टोर करेगा और रिलीज करेगा। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये इसलिए ट्रू हार्मोन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है क्योंकि ये क्या होता है, ये केवल स्टोर और रिलीज करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो गया मेरा। जी एन आर एच का मतलब बेटा गोनेडो ट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन या हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है कि जब भी GnRH या बेटा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है अगर ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को काज कराता है तो जानते हैं हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करता है, ये एक तो बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को, देखो हाइपोथैलेमस को आप बोलते हो क्या, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हो क्योंकि बेटा एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है मास्टर ग्लैंड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। अब उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, तो इसलिए हाइपोथैलेमस को आप क्या बोलते हो, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो ये FSH, LH ये सब बेटा किससे आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, इनको रेगुलेट कौन करेगा, हाइपोथैलेमस हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन से, गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो मैं बेटा इसको एक लिख करके आपको समझाता हूँ, जैसे ये हाइपोथैलेमस हो गया, यहां से सिक्रीट होगा गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये बेटा काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर बेटा जब ये काम करेगा तो यहां से आएगा FSH एंड LH, तो FSH LH दोनों बेटा मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH, ये स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया, सही हो गया। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यहाँ तक तो सही है बट बेटा FSH नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से FSH नहीं आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड रिलैक्सिन, बेटा ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, तो ये भी बेटा स्टेटमेंट यहाँ तो सही है बट यहाँ पर ये गलत हो गया। क्यों बेटा गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कहाँ से आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आएगा। क्लियर हो चुका है, चलो। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट काज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मान लो बेटा किसी एडल्ट में हाइपर सिक्रीशन होने लगे, किसका, किसी भी एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रीशन होने लगे, मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, हम लोग बेटा क्या हैं, एडल्ट हैं, एडल्ट में क्या हो जाएगा, अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगे तो ऐसे कंडीशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। क्यों बेटा इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही 17 से 18 साल 19 साल की एज होती है वैसे ही बेटा बोन के बीच में एपिफाइसियल प्लेट होती है वो क्लोज हो चुकी होती है। मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ, देखो अगर हम लोग बेटा एक लॉन्ग बोन की फॉर्मेशन या लॉन्ग बोन का एक स्ट्रक्चर देखें,
बेटा ये देखो, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं डायफाइसिस। ये जो बेटा होता है इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। यहां पर बेटा एपिफाइसियल प्लेट होती है, कौन सी प्लेट होती है, एपिफाइसियल प्लेट होती है। ये प्लेट बेटा क्या होती है, ग्रोथ तब तक होती है जब तक इनमें ये प्लेट अवेलेबल होती है। अब जैसे बेटा ये प्लेट डिसअपियर हो जाएगी, ये प्लेट क्लोज हो जाएगी, तो आप समझ लो कि ग्रोथ किसी भी कीमत पर नहीं होगी, मतलब कि जो हाइट है ये नहीं बढ़ेगा। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट काज, तो बेटा इसलिए काज नहीं करता है क्योंकि एपिफाइसियल प्लेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। बोन लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, नहीं बेटा। मसल्स फाइबर डज नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, नो बेटा ये बढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट, नो। तो ये जो मेन चीज था बेटा वो ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बेटा मैंने दो हार्मोन बताया था आपको। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, एक तो एस्ट्रोजन, फीमेल में एस्ट्रोजन की कमी हो जाए, और अगर बेटा पैराथार्मोन हार्मोन की भी कमी होगी जिसके कारण कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, डिसोल्यूशन होता है, तो ये बेटा क्या कहलाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को एक बार आप फिर से समझ लें, ये लॉन्ग बोन है, यहाँ से बेटा अगर कैल्शियम, क्योंकि ये रिजर्वायर होता है, ये बोन है, लॉन्ग बोन में 90% बेटा कैल्शियम होता है, कैल्शियम अगर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने का मतलब बेटा कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला, बाहर मतलब कि ब्लड में चला जाएगा। इसका मतलब कि बोन बेटा धीरे 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 क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कमज़ोर होने लगेगी, फ्रैक्चर होने लगेगा। इसके लिए दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड बेटा क्या, पैरा थार्मोन हार्मोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन बेटा आइए देख लेते हैं। देखो ये जो एपिनेफ्रिन है बड़ा, नार एपिनेफ्रिन, कैटिकोलामिन, ये तीनों बड़ा किससे डिराइव्ड होते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड से, टायरोसिन अमीनो एसिड से दोनों बनते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट अभी सही है बेटा। एस्ट्रेडियोल ये क्या होता है, ये स्टेरॉयड हार्मोन है। एस्ट्रियाटायोल, एस्ट्रायोल ये भी बेटा क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन है। एग्डाइसोन हार्मोन ये भी बेटा क्या होता है, ये मोल्टिंग हार्मोन होता है, ये काकरोच में पाया जाता है, ये भी एक टाइप का स्टेरॉयड हार्मोन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एपिनेफ्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मिल्क इजेक्शन एंड फीटल इजेक्शन, बड़ा एक ही हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, मिल्क इजेक्शन, इसीलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है ना, मिल्क इजेक्शन हार्मोन बेटा इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ये ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जनरली बेटा कहाँ पर काम करता है, स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस पर काम करता है, पहले माइल्ड कंट्रैक्शन काज कराता है, फिर धीरे धीरे बेटा क्या हो जाता है, तेजी से कंट्रैक्शन, स्ट्रांग कंट्रैक्शन मसल्स में करता है यूट्रस के, तो यूट्रस के स्मूथ मसल्स पे स्ट्रांग कंट्रैक्शन करता है जिसके कारण चाइल्ड का बर्थ होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है बेटा, आप गेस कर सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ये हार्मोन है, ये बेटा रिसेप्टर्स हैं, और ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी मैसेंजर होंगे। तो ये बेटा किस में ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी प्रोटीनिशियस हार्मोन होगा तो, अभी पीछे बताया, अगर ये स्टेरॉयड हार्मोन होता तो डायरेक्ट बेटा इसका सेंटर कहाँ पर होता, न्यूक्लियस पर, उसका जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पर होता, न्यूक्लियस में डायरेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रोटीनिशियस हार्मोन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए स्टेरॉयड हार्मोन ये कट गया बेटा, ये प्रोटीनिशियस हार्मोन ये सही है, स्टेरॉयड हार्मोन कट गया, प्रोटीनिशियस हार्मोन ये सही है, बट बेटा बी क्या है, बी रिसेप्टर है, यहाँ पर साइक्लिक एएमपी है बेटा, यहाँ पर यही स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ये आप इसको बेटा ध्यान से सुनो, ए वाला क्या होगा, हार्मोन होगा, बी वाला बेटा रिसेप्टर्स होते हैं,
और सी वाला सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर लाइक द बेटा साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम सबको पता हो गया, ये सेकंड वाला सही होगा। आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंडेड वर्क टाइम, हाँ ठीक है, रिड्यूस स्लीपिंग टाइम या स्लीप टाइम, डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ, जैसे बेटा हम लोग क्या करते हैं लाइट जला करके, लाइट जलाते हैं तो वर्क टाइम, तो अगर मान लीजिए जैसे आर्टिफिशियल लाइट में बेटा वर्क टाइम बढ़ जाता है, बट जो स्लीप होता है, जो सोने का टाइम होता है, वो कम हो जाता है, तो क्या पार्ट अफेक्टेड होगा? तो सीधी सी बात है बेटा, कौन अफेक्टेड होगा? स्लीप वेक से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है? स्लीप और वेक से रिलेटेड केवल एक हार्मोन है, वो भी कौन सा? मेलाटोनिन, और वो भी बेटा किससे आता है? पीनियल ग्लैंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायराइड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायराइड हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन बेटा, पैराथायराइड क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल को बढ़ाएगा कि घटाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट पैराथायराइड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायराइड हार्मोन? चलो बेटा ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट द पैराथायराइड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायराइड हार्मोन? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टिमुलेट द पैराथायराइड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायराइड, हाँ बेटा कौन सा ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पैराथायराइड ग्लैंड को, पीटीएच को, तो जब बेटा ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटने लगेगा तो क्या करेगा उसको, ये पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराएगा, जिसके कारण ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। ब्लड में कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ाएगा, ये यहाँ से निकाल करके, तो आंसर सेकंड हो गया। मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रिस्पेक्ट डिजीज, रिस्पेक्टिव डिजीज, इंसुलिन बेटा किससे रिलेटेड है? डायबिटीज मिलेटस से, मतलब ए का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, सॉरी बेटा फिफ्थ है ये हो गया। बी थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन बेटा किससे रिलेटेड है? ग्वाइटर से, थायरॉक्सिन हमारा ग्वाइटर से, ग्वाइटर का मतलब चौथा हो गया। कार्टिकॉइड बेटा किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरे वाले का एडिशन डिजीज, एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरे का फर्स्ट हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन एक्रोमिगैली, मतलब कि थर्ड हो जाएगा, तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंसुलिन डिपेंडेंट, तो सीधी सी बात है बेटा इसका एक ही आंसर है, ये ग्लूट फोर होता है, और यही आपको याद भी रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से बेटा डिजीज से रिलेटेड है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलेटेड है वो डायबिटीज एनसीपीडस से रिलेटेड है, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं। दूसरा है बेटा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ग्रेव्स डिजीज से रिलेटेड है। एडिनल ग्लैंड एडिशन डिजीज से रिलेटेड है, ये पैंक्रियाज। डायबिटीज मिलेटस से किससे रिलेटेड है? डायबिटीज मिलेटस से, तो आंसर बेटा मैच करा लीजिए, ए का कौन सा हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, ये हो जाएगा आंसर बेटा हमारा सेकंड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसेमी, बेटा हाइपो नहीं होना चाहिए, ग्लूकागन क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिक होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया। इंसुलिन एक्ट ऑन द पैंक्रियाटिक सेल्स एंड द एडिपोसाइट सेल, बेटा पैंक्रियाटिक सेल पे काम नहीं करता इंसुलिन, वहाँ से आता है, ये काम कहाँ करेगा? लीवर सेल पर, यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर अगर क्या लिखा होता, हिपैटोसिटिक सेल या हिपैटोसाइट सेल, तो बेटा आंसर करेक्ट होता, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंसुलिन एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसेमिक, इंसुलिन बेटा कभी भी हाइपर नहीं होता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेंसिस, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनि, ग्लूकोकार्टिकॉइड बेटा किसको, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा इसका मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज नया बनेगा, क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए ठीक है, आज ये बेटा हम लोगों ने कंप्लीट किया केमिकल कोऑर्डिनेशन के टॉपिक को या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।